रहीम आज हमने देखना है होम एंड टेम्परेचर रेगुलेशन वैसे तो आप होमस्टेसिस से एक सेपरेट टॉपिक है उसी के आगे हमारे पास एक टर्म टेम्परेचर रेगुलेशन यानी कि थर्मो रेगुलेशन है तो इस लेक्चर में हमने देखना यह है कि थर्मो रेगुलेशन क्या होता है अगर एनिमल लाइफ में टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका एनिमल लाइफ पर इम्पेक्ट क्या होता है फिर हम हीट को कैसे ले सकते हैं गेन कैसे करते हैं हीट को लॉस कैसे करते हैं उसके चार मेथड्स कंडक्शन कन्वेक्शन इवेपोरेशन रेडिएशन ये देखेंगे और ओवरऑल देखेंगे कि बॉडी टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन रहता है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है बीएससी के लिहाज से एडीपी uh, की जो क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये चैप्टर थर्टी एट से है जिसका जोलॉजी पेज नंबर सिक्स फिफ्टी सिक्स में से तो होम्यस्टिस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन होमस्टिस आप जानते हैं किसी भी एनिमल बॉडी जो होती है उसके इंटरनल कंडीशंस को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम हार्म्स एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वामेंट सिंपल आप ये कह सकते हैं कि इंटरनल बॉडी जो होती है इंटरनल इन्वामेंट जो ऑर्गेनिज्म का होता है उसको एक नैरो रेंज पर मेंटेन करना या फिर हम उसे कहते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करना ये होमोस्टेसिस होगा कांस्टेंट रखना होमोस्टेसिस होगा टेम्परेचर रेगुलेशन मीन टू से कि हम हीट को कैसे कंट्रोल करेंगे हीट गेन करना लॉस करना किस तरह से है तो बेटा जी हर एनिमल हर एनिमल बहुत स्पीड के साथ ग्रो करती हैं और क्विकली रिस्पॉन्ड करती हैं इन्वामेंट के लिहाज से इफ़ इट्स कैप्ट वार्म अगर उसको उसका टेम्परेचर ज़्यादा है नॉर्मलाइज है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे है तो वो बहुत क्विकली काम करता है अब हम अपने बॉडी सेल्स की बात करें तो अगर हमारे बॉडी सेल्स कूलर इन्वामेंट में हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम है तो इनकी ग्रोथ कम होगी ये इनका रिस्पॉन्स जो होगा वो क्विक नहीं होगा अगर हम इसको वार्म रखें नॉर्मल रखें यानी कि नॉर्मल ऑप्टिमल टेम्परेचर पे रखें तो दैट विल परफॉर्म क्विकली इट्स एक्टिविटीज़ तो अब कोई भी एनिमल के सेल्स जो होते हैं वो स्पीड से ग्रो करते हैं क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं अगर हम उनको गर्म रखें यानी कि उनको अपने टेम्परेचर पर मैंटेन रखें जोलोजिस्ट सोचते हैं बिलीव करते हैं यकीन करते हैं के एबिलिटी टू मेन्टेन अ कॉन्स्टेंट होम्योस्टैटिक बॉडी टेम्परेचर इज द मेजर रीजन फॉर एवोल्यूशन सक्सेस एवोल्यूशन सक्सेस की सबसे मेजर रीज़न जो है वो इनकी थर्मो रेगुलेशन है यानी कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख सकते हैं मैंटेन रख सकते हैं वट इज दर्मो रेगुलेशन वी स्टडी ट्राइट नाउ हीट कंट्रोल एबिलिटी टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट अरो रेंज इस कार्ड थर्मो रेगुलेशन यानी कि ये सलाहियत के हम बॉडी टेम्परेचर को एक नैरो रेंज तक मेंटेन कर सकें इसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लाइफ एनिमल लाइफ यानी कि टेम्परेचर का एनिमल लाइफ पर क्या असर है तो ये तो बेटा आप जानती हैं कि जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं फिजोलॉजिकल फंक्शंस हैं यानी कि जितने भी हमारे सिस्टम्स फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो तमाम फंक्शन लिंक्ड हैं टेम्परेचर के साथ सो so, वी से दैट के टेम्परेचर जो है दैट इज एन स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ सेलेक्टिव प्रेशर इन ऑल एनिमल्स तमाम एनिमल्स में टेम्परेचर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैक्टिव प्रेशर के तौर पर एवोल्यूशन में कंसिडर होता है सेलेक्टिव प्रेशर मतलब कि जिसने एवोल्यूशन में ऑर्गेनिजम्स में करेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाना है अब इसी तरह से हमारे जितने भी इन्जाइम्स हैं ये इन्जाइम्स एवोल्यूशन जो होती है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड आवर ऑप्टिमम टेम्परेचर ये भी हमारे ऑप्टिमम टेम्परेचर से रिलेट करती है हमारे ऑप्टिमा से रिलेट करती है अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन और ये इन्जाइम्स की एक्टिविटी है इस तरफ हम टेम्परेचर ले रहे हैं डिग्री सेल्सियस में तो अगर टेम्परेचर लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है लो है टेम्परेचर जैसे आप राइज कर रहे हैं रेट ऑफ रैक्शन भी राइज हो रहे हैं लेकिन एक खास पॉइंट पर उस पॉइंट को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं जहाँ पर इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे अब अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा जाते हैं हाई टेम्परेचर पर जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाता है यानी कि जब टेम्परेचर लो होगा तो एंजाइम्स फ्रीज हो जाएंगे जब टेम्परेचर हाई होगा तो एंजाइम्स डी नेचर हो जाएंगे डी नेचर होने की रीज़न क्या है अब हीट टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप हीट बढ़ेगी तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने उसकी शेप जो होती है उसको डी कर देंगे और शेप जो इसकी थ्री डी शेप होती है थ्री डायमेंशनल शेप या ग्लोबुलर शेप जो होती है जैसे वो डी होगी तो इन्जाइंग जो है वो डी हो जाएगा काम परफॉर्म नहीं करेगा अब हर एनिमल जैसे कि हमने एक ट्राउट की बात की ट्राउट एक फिश है जो कि ये ठंडे इलाके में पाई जाती है ठंडे पानी में पाई जाती है अब उसका टेम्परेचर टेन डिग्री सेल्सियस उसकी बॉडी का बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी है इस तरह से कुछ अदर एनिमल्स हैं उन तमाम का बेस्ट फंक्शन जो परफॉर्म होते हैं वो थर्टी पर है मतलब जिस तरह का जैसा इन्वामेंट होगा उसी तरह से उनके अंदर ये एबिलिटी डिवेलप हो जाती है अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे हीट को ले सकते हैं और हीट को दे सकते हैं गेन मतलब हीट लॉस लेना और हीट लॉस करना ठीक है ये कैसे पॉसिबल होगा तो बेटी का देखिएगा दो मेथड हमारे पास हैं, एक तो हीट गेन करने का मेथड हमारे पास सेलुलर मेटाबॉलिज्म है आप जानते हैं कि इसमें सिंपली फूड की ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीडेशन में एटीपी प्रोड्यूस होते हैं लेकिन उसके साथ साथ में कुछ हीट भी प्रोड्यूस हो रही होती है यानी कि मेटापॉलिक हीट ये हमारे पास गेन का मेथड है कोई भी एनिमल है अब अगर उसने लॉस करना है या गेन करना है तो वो इन्वायमेंट से भी कर सकता है यानी कि एनवामेंट से अगर लेना चाहता है तो वहाँ से गेन करेगा उसने पास्टर चेंज करेगा अपने वैसी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा अगर उसने लॉस करना है तो वो भी एक उसके पास मैकेनिज्म है तो मतलब इन्वामेंट से भी गेन एंड लॉस हो सकते हैं लेकिन मेटाबॉलिक हीट से सिर्फ हम गेन कर सकते हैं यानी कि सेलुलर रेस्परेशन से अगर हम ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर देखें तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है दैट इज इक्वल टू मेटाबॉलिक हीट हीट गेन फ्रॉम इन्वायमेंट माइनस हीट लॉस फ्रॉम इन्वायरमेंट यानी कि जितनी हम हीट लॉस करते हैं उसको निकाल दें हम इससे भी गेन करते हैं मेटाबॉलिक हीट से और इन्वायमेंट से भी गेन करते हैं अगर हम इन दोनों को कलेक्ट करें तो हीट लॉस को इक्वल करें माइनस करें तो हमारे पास हमारी बॉडी का टेम्परेचर आ जाएगा यानी कि इस वक्त आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक तो आप मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरा आप इन्वायरमेंट से ले रहे हैं फिर इन्वायरमेंट में लॉस भी कर रहे हैं तो अगर हम इनको इस तरह से दोनों को प्लस करें इसको माइनस करें तो हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर आ जाएगा आप देखिएगा फोर फिजोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिनसे हम हीट एक्सचेंज कर सकते हैं एक कंडक्शन कन्वेक्शन इवेपोरेशन एंड फोर्थ वन इज रेडिएशन हम इन चारों को डिटेल में देखते हैं देखिए कंडक्शन डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है हीट का थर्मल मोशन का डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल मोशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ इन्वामेंट एंड बॉडी सरफेस अब बॉडी सरफेस और इन्वायमेंट के मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में अगर डायरेक्ट सरफेस एक्सचेंज होता है थर्मल मोशन चेंज होती है तो ये कंडक्शन है यानी कि ट्रांसफ़र हमेशा जो आप एक बात जहन में रखिएगा हीट है तो ये हमेशा ट्रांसमिट होगी फ्रॉम एरिया हायर टू लोअर ग्रेडियंट हमेशा हीट हायर एरिया से यानी गर्म से ठंडे की तरफ मूव करेगी हमेशा तो क्योंकि हीट हमेशा थर्मल ग्रेडियंट में ही मूव करती है मूव डाउन थर्मल ग्रेडियंट ग्रेडियंट हम डिफरेंस कहते हैं थर्मल चार्जेस का डिफरेंस टेम्परेचर का डिफरेंस तो हमेशा हायर टू लोअर ही मूवमेंट होगी अब इसकी मिसाल ये है कि अगर आप एक ठंडे ग्राउंड में बैठते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा गर्म है तो आपकी हीट जो होगी वो लॉस होगी अगर आप गर्म रेत पर बैठते हैं तब तो आप, आपकी बॉडी टेम्परेचर कम है लेकिन रेत का टेम्परेचर सैंड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो यू विल गेन हीट तो आप हीट गेन करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेक्शन देखिएगा कन्वेक्शन में मूवमेंट ऑफ एयर और लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी अगर बॉडी की सरफेस से एयर या लिक्विड मूव कर रहा है और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है हीट गेन एंड लॉस में दिस इज कन्वेक्शन आप देखिएगा जब डे दे ठंडा है दिन यानी कि बहुत ठंडी हवा चल रही होती है आपकी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी टेम्परेचर से हीट जो है वो लॉस होगी अगर दिन गर्म है आपकी बॉडी टेम्परेचर कम है तो आप हीट गेन करेंगे तो मतलब कि एयर या लिक्विड आपकी बॉडी सरफेस से मूव कर रहा है तो वो हीट गेन एंड लॉस में इन्वॉल्व होगा दिस टाइप इज नॉन एज कन्वेक्शन अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है कंडक्शन अगर एयर और लिक्विड मीडियम ओवर बॉडी सरफेस मूव कर रहे हैं कन्वेक्शन थर्ड हमारे पास है इवेपोरेशन अब देखिएगा इवेपोरेटिव कूलिंग भी हम इसे कहते हैं अब हीट आप लॉस करते हैं फ्रॉम अ सर्फेस एज वाटर मॉलिक्यूल एस्केप इन द फॉर्म ऑफ गैस और वेपर्स Uh, ये बात में रखिएगा ये सिर्फ ट्रस्टियल एनिमल्स में होता है मिसाल के तौर पर ह्यूमंस और अदर एनिमल जैसे जिमपेजी है हॉर्सेस हैं ऐसे होते हैं अब ये मैकेज़म क्या है इनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं ये स्वेट ग्लैंड्स वाटरी सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं यानी कि स्वेट प्रोड्यूस करते हैं स्वेट ग्लैंड डेफिनेटली वाटरी सोल्यूशन स्वेट प्रोड्यूस करेंगे ये स्किन सरफेस पर मौजूद है अब ये स्किन सरफेस पर आता कैसे है छोटे छोटे पोर्स होते हैं बॉडी के अंदर स्किन के अंदर जहाँ से ये बाहर आता है अब ये जो वाटर है वाटर के दरम्यान में मौजूद होता है हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ये लिक्विड की फॉर्म में है जैसे ये इवेपोरेट होगा इसको इवेपोरेट होने के लिए यानी कि लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए हीट चाहिए और वो हीट आपकी बॉडी से लेगा इस तरह से आप हीट लॉस करेंगे बाई ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर यानी कि वाटर है ना वाटर का मॉलिक्यूल अब इनके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वी नीड एनर्जी टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स हमें इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपकी बॉडी से लेगा अब सेम एज इट इज आप नहाने के बाद जब पंखे के नीचे आते हैं पंखे के नीचे आपको हवा लगती है आपको ठंडक फील होती है क्योंकि आपकी बॉडी से वाटर इवेपोरेट करता है जैसे वाटर इवेपोरेट करेगा तो दैट इज बेसिकली इवेपोरेशन एवेपरेटिव कूलिंग भी हम से कहते हैं और इसको प्लांट्स भी यूज़ करती हैं हम एनिमल्स भी यूज़ करते हैं जिनके अंदर ये मकैनिज़म मौजूद होता है अच्छा अगर हमारी बॉडी से वैसे ही वाटर ड्रिपिंग होती रहे यानी कि मेमल्स की आपकी स्किन से वाटर ड्रिप होता रहे तो इससे आपको कूलिंग नहीं मिलेगी बिकॉज देर इज़ नो एवेपोरेशन एवेपोरेशन सिर्फ उस वक्त तक होती रहेगी जब तक इन्वामेंट के अंदर वेपर्स की कमी है अगर इन्वामेंट में मॉइस्चर ज़्यादा है और आप कहें कि एवेपोरेशन हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा हाँ ये चीज़ होती है कि जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो फिर पसीना जो होता है स्वेटिंग जो होती है ड्रिप पंग आउट होती है उस वक्त ही इवेपोरेशन भी हो रही होती है ड्रिपिंग भी हो रही होती है तो उस वक़्त हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है लेकिन सिर्फ ड्रिपिंग आउट होना ये हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट नहीं देता नो एफेक्ट एट ऑल अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन रेडियशंस देखिएगा एमिजन ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स अगर इलेक्ट्रो मैगनीटिक वेव्स हमारी बॉडी से एमिट होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से होती हैं जैसे कि अनदर एनिमल एक दूसरे एनिमल है उसकी बॉडी से इलेक्ट्रो मैगनीटिक वेव्स निकल रही हैं या फिर सन जो है वो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है और एनिमल बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर रही है तो ये भी रेडिएशन है आप जब आप आपके बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी से हीट निकलती हैं रेडिएशंस निकलती हैं वैसे भी निकलती रहती हैं क्योंकि आपकी बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये रेडिएशन जो हैं रेडिएशन के जरिए हम हीट को एमिट कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं ट्रांसफ़र जो है इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है मीडियम का कोई मतलब इसके ऑब्जेक्ट के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता इसमें सिंपली रेडिएशन होती हैं वो पास करती हैं वी कैन अंडरस्टूड फ्रॉम दिस इमेज हम इस इमेज से चारों को अंडरस्टूड कर सकते हैं अब लाइक like दैट कि अगर ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है इसका हॉट सैंड के थ्रू तो ये हीट गेन कर रहा है तो ये कंडक्शन है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और अगर इसमें एयर या वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जो इसकी बॉडी के साथ टच कर रहे हैं दैट इज कन्वेक्शन और अगर इसकी माउथ से इवेपोरेशन हो रही है स्वेट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो ये इवेपोरेशन है और अगर ये रेडिएशंस को गेन कर रहा है यानी सन से आ रही हैं रेडिएशंस और इन रेडिएशंस को एक्सेप्ट uh, कर रहा है तो दैट इज़ रेडिएशंस यहाँ से इसकी बॉडी से भी अमिट होती हैं वो भी तो ये चारों मेथड्स को हम इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क दैट यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस अल्लाह हाफिज़ टेक केयर